थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एक क्लिप तुम्हारे लिए बनती भाई, सवेरे 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। मैं छेत्री, मैं हाफलोंग से आया हूँ। हाफलोंग आसाम पे हिल डिस्ट्रिक्ट है। 2013 किलोमीटर की सफर करके आया हूँ मैं। वेरी गुड। मैंने ये जो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया, मैं एकदम एंड्रॉइड पे न्यू कमर्स हूँ मैं अभी। ओके। उसके बारे में मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं। ओके। मैंने बहुत सारे वीडियो देखी थी, यूट्यूब में देखे, फेसबुक में देखे, सब देखे। एशिया टेलीकॉम के बारे में एक नेगेटिव वीडियो भी मेरे को मिला था, वो भी मैंने देखी। तो देखने के बाद भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे में अगर काबिलियत नहीं है तो मैं सर लोग को या किसी इंस्टीट्यूट में दोष दे नहीं सकता। तो मेरे पास काबिलियत होना चाहिए मैं सीखने के लिए। सर तो दे रहे, मैं कितना ले सकता हूँ, मेरे ऊपर है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम के जितने भी स्टाफ है, जितने भी इंस्ट्रक्टर है, जितने भी यहाँ के है, टीम है सारे, क्योंकि मैं एक दिन में इतना सीख पाया हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था जी। मैंने सोचा भी नहीं, यहाँ के एक दिन में मैंने 2 क्लास ली, ICD रिवॉल्विंग मैंने 4 बार की, कॉम्बिनेट क्लास थी, सर ने प्रैक्टिकल भी करवाया, फिर थ्योरी भी कराया, और अभी भी मैं क्लास पे हूँ। अभी भी 9:30 बज रहा हूँ, जाने का मन नहीं कर रहा, बैठ के काम सीखने का मन, कुछ सीखने के लिए आए, दिन में जुनून जोश लेके आए। सब भी आओ, जिसके मन में सीखने की इच्छा है, कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, जैसे भी हो, आ जाओ, कुछ सीखने को मिले। एक महीने में आपको कुछ सीखने को मिले। बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई अभी। अच्छा, रिबॉलिंग की बात करूँ तो रिबॉलिंग पहले करता था, लेकिन अभी जो टेक्निक मिली है सीखने की अलग अलग। अच्छा। तरीके वो बहुत नए और बहुत अच्छे तरीके, सेफ तरीके बहुत सारे। अच्छा। और मैं बात करूँ कि आपके कंपोनेंट की, सर कंपोनेंट कैसा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? बहुत बहुत क्लियर हुआ सर, पहले कंपोनेंट की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अच्छा। अभी हर एक कंपोनेंट की बहुत अच्छी तरह से नॉलेज मिली है। अच्छा, दो कंपोनेंट पढ़ा है, दो कंपोनेंट की मैं अगर अभी बोलूं कि आप पूरी पीसीबी में से छान के निकाल दो, मैं भले वो आईफोन की पीसीबी भी चेक करवाया ना तुमसे। हाँ सर। उसके अंदर में भी क्या उसका प्रोटोकॉल अलग होते हैं क्या? नहीं सर, सेम है। आपने खुद ने किया ना उसके? हाँ सर। उनकी क्लास क्या सर, उसमें बहुत अच्छा नॉलेज मिला सर। अच्छा। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल क्लास हुई। अच्छा। उसमें भी हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिला। अच्छा, तो कैसा लग रहा है सब करके? सर, बहुत एक दिन में इतना सब कुछ, बहुत ये सब एशिया ही टेलीकॉम दे सकता है। तो जो तुम सोच के आए थे वो पहले दिन तुमको मिला कि नहीं मिला? बहुत कुछ मिला सर। चलिए ठीक। और आज सुबह हमारे 8 बजे क्लास था ICD रिबॉलिंग का, और हमने द बेस्ट ICD रिबॉलिंग किया, और इतना अच्छा बताया सर ने कि ऐसा कोई नॉलेज दे ही नहीं सकता है इससे बड़ा। और इसके बाद हमारे कंपोनेंट्स का क्लास था, जिसमें हमने आज 2 कंपोनेंट्स के बारे में सीखा लेवल पे। और सर ने ऐसे डीप लेवल पे पढ़ाया कि नॉर्मली तो बंदे को एक ऐसा बंदा जिसको कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, उसके बारे में सोचा ही नहीं होगा ना सर, उसको भी आज इतना नॉलेज हो गया कि वो बता सकता है फट से कि ये कौन सा कंपोनेंट्स है और इसमें क्या है। तो 15 साल से जो काम कर रहा है वो जो फ्रेशर बंदा, दोनों एक ही कैटेगरी में है सर, एक ही कैटेगरी में। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं सोच के आया था उससे बहुत ज़्यादा है, और जितने भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं वो आए यहाँ पे एक बार ट्राई करें, और काम भी सीखेंगे और काम भी करके देंगे कस्टमर को। तो उनके बारे में अपन, बाकी इनके इनके जोश को, जुनून को देख के भाई क्लैपिंग बनती इनके लिए, भाई के लिए क्लैपिंग बनती। साबिर, तुम इमान साबिर, तुम कितने टाइम से आना चाहते थे और तब तुम्हारा नंबर लगाया पे? सर, मैं 2 साल से फॉलो कर रहा था और लगभग 6 महीने से लगातार कॉल कर रहा था कि मैं आना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ जी। तो अब मुझे मौका मिला है टेलीकॉम में आने का। तो एक दिन का सफर, जिनका वीडियो देख के आया उनके साथ, उनको सौभाग्य मिला पढ़ने का। यस सर। और कैसा सब कुछ लगा है? बहुत अच्छा लगा सर। मैं हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड से। हाँ। और आज सुबह हमारी रिबॉलिंग की क्लास थी, ICD रिबॉलिंग की, उसके बाद हमारी क्लास कंपोनेंट की थी जो कि देव सर के साथ में थी जी। और जो सोचा था उससे ज़्यादा कहीं बेहतर बढ़ के मिला, क्योंकि मैं इस फील्ड में 10 साल से हूँ जी। और इतना मुझे मिल गया, इतना मैंने 10 साल में नहीं सीखा जितना मैंने आज इस एक दिन में सीख लिया देव सर से कंपोनेंट की। उन्होंने 0 लेवल से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक सारी इन्फॉर्मेशन दी। प्रैक्टिकल भी किया। कैसा काम का घूम के आना पड़ा आपको? अपना दुकान बंद करके ये पहली बार है मैं आया हूं। पहली बार आया जी सर। तो जो सोच के आया था वो मिला कि नहीं? मिला सर। देखो, स्टूडेंट है जी आप, अपने अपने हिसाब से बोलो, मैं आपसे पूछूं। मेरा नाम मोहम्मद हसन लश्कर, मैं असम से आया हूँ। हमें पहले जिस तरह एशिया टेलीकॉम का वीडियो देखा है, अभी हम प्रैक्टिकल मेल में आया है ना, इस तरह सेम भी सेम होता है। जिस तरह सर ने पढ़ाता है, जिस तरह समझाता है, उसके ऐसे ज़्यादा हमको मिला है। और पहले दिन से हमको ICD रिबॉलिंग आ गया, एक घंटा लगा है सिखाने में, और हम 2-3 बार 4 बार ICD रिबॉलिंग किया है। एकदम हाई लेवल से पढ़ाए, एकदम एडवांस, एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल किया कि नहीं उसका? किया।
और ये कंपोनेंट्स की। ठीक है, रिबोलिंग आपने किया? कितनी बार किया? चार बार किया। इसके पहले करते थे आप? नहीं सर। फर्स्ट टाइम किया आपने? फर्स्ट टाइम में डन हुआ आपका? डन हुआ। ट्रिक कैसी लगी आपको? अच्छी लगी सर। उसके बाद क्लास किसके साथ थी? दे सर के साथ। क्या क्लास थी आपकी? रजिस्टर का। और कंपोनेंट क्लास 1। कंपोनेंट क्लास 1। कल भी क्लास है ना आपकी यही वाली? जी। ठीक है, तो आपको कंपोनेंट में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट बात करूं निकालने की, लगाने की या टेस्टिंग की? सब हो जाएगी सर। सारी हो जाएगी? हो जाएगी। चलिए ठीक है। आज हमारी सर, आज हमारी देव सर के साथ कंपोनेंट्स की क्लास थी जी, और सुबह टाइम 8 बजे हमारी EMC रिबॉलिंग की क्लास थी। अच्छा, तो दोनों काम डन हुआ आपका? जी सर। समझ में आया? यस सर। कंपोनेंट भी समझ में आया? यस सर। रिबॉलिंग भी करी आपने? यस सर। कितनी बार करी? 3 बार की है सर। अभी प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में अभी कंपोनेंट्स की पूरी टेस्टिंग, पूरी टेस्टिंग करी आपकी? एक एक चीज की रीडिंग मालूम है आपको? जी सर। चलिए ठीक है। महाराष्ट्र से क्या क्लास थी आज हमारी? आज क्लास थी कंपोनेंट्स की थी। कंपोनेंट्स की और आईसी रिबॉलिंग की? आईसी रिबॉलिंग की थी। तो दोनों चीज हुई आपसे? यस सर। कंपोनेंट निकालने लगाने में या फिर कंपोनेंट की रीडिंग लेने में, कंपोनेंट की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। बात करें कैपेसिटर की, ऑल टाइप रजिस्टर के जितने टाइप है सब आते हैं आपको? यस सर। बताने की जरूरत नहीं है? नहीं। थर्मिस्टर ढूंढना आसान हुआ आपसे? यस सर। कितनी देर में ढूंढ लोगे? 2 मिनट में। चलिए ठीक है। हमारी आईसी रिबॉलिंग कितनी बार करी आप? 5 बार। तो इसके पहले कर पा रहे थे आप? नहीं सर। नहीं कर रहे थे? फर्स्ट टाइम किया? यस सर। तो पहली बार में 4 बार कर दिया आपने? यस सर। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। फिर कंपोनेंट की क्लास किसके साथ थी आपकी? देव सर के साथ। कैसा रहा आपका अनुभव देव सर के साथ? बहुत बढ़िया। और उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? सारी चीज का डाउट क्लियर है आपका? यस सर। किसी प्रकार का कोई टेस्टिंग वगैरह को, रीडिंग को लेके कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं सर। पहले SMD को टच किया था आपने? नहीं सर। फर्स्ट टाइम टच किया जी। और फर्स्ट टाइम में रिवॉल्व कर लिया EMC आपने? कैसा लग रहा है सब करके? बहुत मजा आया सर। और उसके बाद दोपहर में किनके साथ क्लास थी? देव सर के साथ। देव सर के साथ जी। क्या क्लास थी आपकी? कंपोनेंट्स का था सर। कंपोनेंट्स का, तो कंपोनेंट्स का किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? सर इसके पहले इतना डीपली नॉलेज था आपको? चलिए। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्लास में 6 से 9 बज रही है, अभी टाइम क्या हो रहा है? 9 बज रहा है। 9 बज रही है, तो टाइम का कोई फाउंडेशन है या क्या? सर आज सुबह से आईसी रिबॉलिंग का क्लास हुआ सर, जिसमें मैंने 4 बार किया, फ्रेशर था एकदम। अच्छा। और उसके बाद देव सर की कंपोनेंट की क्लास किया सर, उसमें बहुत अच्छा नॉलेज मिला सर। अच्छा। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल क्लास हुई। अच्छा। उसमें भी हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिला। अच्छा, तो कैसा लग रहा है सब करके? सर, बहुत अच्छा। एक दिन में इतना सब कुछ? बहुत, ये सब एशिया ही टेलीकॉम दे सकता है। तो जो तुम सोच के आए थे वो पहले दिन तुमको मिला कि नहीं मिला? बहुत कुछ मिला सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, अरुण सुनील जय सर। जी बताइए अरुण। सर आज हमने और फेसिंग किया। कितनी बार किया? 6 बार सर। 6 बार किया जी। चलिए, कैसा लग रहा है सब करके? सर इसके पहले करते थे क्या? अभी नहीं किया था। अभी नहीं करते थे? और एक बार में 6 बार कर दिया? 6 बार किया सर। चलिए ठीक है। फिर दोपहर में क्लास किनके साथ थी आपकी? सर देवरतन अग्रवाल जी सर के साथ। सर के साथ थी क्लास आपकी, फिर क्या हुआ? फिर सर रजिस्टर पूरा डीपली नॉलेज मिला। पूरा दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? लगा देते दूसरे इंस्टीट्यूट वाले रजिस्टर समझाने में, उसके बाद भी समझ में नहीं आता। आप दो कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली, वो भी डीपली जानकारी? जी सर। तो अब दिमाग में से हिलेगा क्या रजिस्टर? कभी नहीं। क्या टेस्टिंग है, कैसे कैसे वैल्यू निकालते हैं, सब कुछ है ना? सब कुछ। उसके रजिस्टर के कितने टाइप है सब चीज मालूम हुई आपको? जी सर। थर्मिस्टर कितना इजी करा आपका? बहुत बहुत इजी है सर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलिए ठीक है। तो एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल है कि नहीं? वसूल है सर। सर फर्स्ट टाइम EMC रिवॉल्व किया सुबह। अच्छा। उसके बाद फिर देव सर के साथ क्लास था कंपोनेंट का जी, वो किया 0 से डीपली का। उसके बाद बताओ
आपके प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? सर पूरा टेस्टिंग की कंपोनेंट की, हर एक कंपोनेंट की। तो रजिस्टर के जो चारों रूप थे आपको, वो चार रूप बताए थे आपको, पूरे के पूरे समझ में आए? बिल्कुल सर। और कैपेसिटर की टेस्टिंग आपको पूरी टेस्टिंग है, क्या काम है क्या टेस्टिंग है उसकी पूरी मालूम है आपको? नागपुर से जी योगेंद्र बोलिए। मॉर्निंग में आए सवेरे 8 बजे आए जी, आते बराबर सर सब यहाँ उपस्थित थे सब जी। उसके बाद हमारा आईसी रिबॉलिंग का क्लास हुआ हमारा, इसमें मैंने खुद 3 बार आईसी रिबॉल किया। उसके बाद देव सर के साथ हमारा कंपोनेंट क्लासेस थी, वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमको समझाया। हाँ डिजर्व करा हुआ मैं, फिर बहुत अच्छी लगी। क्या लेवल है स्टेट टेलीकॉम के टीचरों को पढ़ाने का? हमने सोचे थे उससे तो बेटर लग रहा है फिलहाल। अफजल रजा बताइए अपनी जुबानी अपनी कहानी। जी मैंने सवेरे आया, सवेरे आने के बाद मैंने ऐसी रिबॉलिंग की क्लास थी, मैंने ऐसी रिबॉलिंग की और उसमें 5 बार मैंने ऐसी रिबॉलिंग की। और उसके बाद लंच के बाद देव सर के साथ क्लास हुई, उसके बाद क्लास। अच्छा लंच के लिए 1.5 घंटे की छुट्टी दी थी? नहीं सर 20 मिनट की। 20 मिनट की? यस सर। ये सही बोल रहे हैं? यस सर। उसके बाद देव सर के साथ क्लास हुआ कंपोनेंट का, और कंपोनेंट में जो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक कंपोनेंट की क्लास रहा, और जिसमें हम लोगों ने बहुत डीपली समझाया। राजा सुब्रदत्त जी पश्चिम बंगाल से जी बोलिए। yes. तो मॉर्निंग में क्लास क्या थी हमारी? आईसी रिबॉलिंग। आईसी रिबॉलिंग कितनी बार किया आपने? 5 बार। 5 बार किया? इसके पहले करते थे क्या? नहीं सर। अभी करके कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। और दोपहर में क्लास किनके साथ थी? देव सर के साथ। देव सर के साथ। तो कंपोनेंट समझ में आया आपके? क्लियर है पूरा? क्लियर। प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकल किया आपने? सर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं सर की क्लास थी, और दोपहर में देव सर के साथ क्लास थी कैपेसिटर रजिस्टर की, फ्यूज डायोड वगैरह की। तो सर इतना डीपली नॉलेज दिया कि बहुत कभी भूल ही नहीं सकते उसको, इतना समझाया है सर। बहुत सर का तरीका कैसा है पढ़ाने का? बहुत बेहतरीन तरीका है सर, बहुत डीपली समझाया है सर। और अभी प्रैक्टिकल हुआ उसमें भी सर हमने सब कुछ पता किया, उसमें कैपेसिटर रजिस्टर कैसे चेक करते हैं, क्या कंपोनेंट पे क्या हम सर आते हैं, सब कुछ समझाए सर। सुबह 8 बजे क्लास थी आईसी रिबॉलिंग की, ईएमसी आईसी का नाम ही सुनते थे हम लोग, आज हमने पहली बार बनाई है आईसी। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा हमें ये आईसी बना के, और हमें उम्मीद है हम आगे भी आईसी बना लेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं सोच के आया था उससे बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और जितने भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं वो आए यहाँ पर एक बार ट्राई करें, और काम भी सीखेंगे और काम भी करके देंगे कस्टमर को। चलिए ठीक है। कितनी बार किया आपने? 5 बार। तुक्के में लगी कि प्रॉपर तरीके से? सर तुक्के में 1 बार। अच्छा 5 बार नहीं लगता? चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर कंपोनेंट की क्लास कैसी रही देव सर के साथ? ठीक सर। का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा। यूनिक तरीका है? यूट्यूब वाला नॉलेज दिया आपको? यूट्यूब वाला नॉलेज दे रहे हैं क्या आपको? यूट्यूब में मिल सकता है क्या नॉलेज? नहीं बिल्कुल नहीं जी सर। आज सुबह मॉर्निंग में हमारी क्लास से आई सी रिबॉल। अच्छा ठीक है सर। कितनी बार किया आपने आईसी सर? 5 बार किए सर। और फिर इनके साथ क्लास थी आपकी दोपहर में? देव सर के सर। उनको ही देख के आए थे ना? जी सर। तो उनके साथ जब क्लास लिया आपने तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। कैसा नॉलेज है सर का? सर का बहुत। और तरीका कैसा पढ़ाने का? बहुत। एनर्जी का लेवल क्या है? बहुत एनर्जी। समझाने का सरल भाषा में समझाते हैं? यस सर। क्लास कभी कितनी बार रिविजन करा तुम्हारा सर ने? रिविजन कितनी बार करा आपका सर? वही के वही रिविजन कितनी बार करा? 4 से 5 बार सर। 4 से 5 बार करा। एक बात, एक चीज को कितनी बार समझाते हैं सर? बहुत बार सर। 5 से 6 बार समझाते हैं। छोटी दिल्ली के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को छोड़ के भाई जबलपुर के छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइमिंग का है, वहाँ पे 2-2 घंटे में कुछ नहीं सिखाते बिल्कुल भी। पहले दिन की क्लास की बात करूँ तो आज की रिबॉलिंग थी, रिबॉलिंग आपकी डन हुई? डन हुई। मतलब तुक्के में काम करा कि प्रॉपर तरीके? प्रॉपर तरीके से काम किया। 4 बार का लॉजिक था आपका? पूरा लॉजिक। पूरा लॉजिक था कि मतलब ये आप इस तरीके से काम क्यों कर रहे हो? लॉजिक था पूरा जी। चलिए उसके बाद सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, जिनको देख के आप यहाँ पे एशिया टेलीकॉम आए? उन्हीं को देख के आया। उन्हीं के देख के वीडियो देख के कुछ फॉल्ट भी सॉल्व किए हैं उन्हीं के वीडियो, चलो आगे जाके सीखेंगे, आ जाके तभी यहाँ पे आए। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसा काम का घूम के आना पड़ा आपको? अपना दुकान बंद करके ये पहली बार है मैं आया हूं। पहली बार आया? जी सर। है ना, तो जो सोच के आए थे वो मिला कि नहीं? मिला सर। देखो स्टूडेंट है जी, आप अपने अपने हिसाब से बोलो, मैं आपसे पूछूंगा। मेरा नाम मोहम्मद हसन लश्कर, मैं असम से आया हूँ। हमें पहले जिस तरह एशिया टेलीकॉम का वीडियो देखा है, अभी हम प्रैक्टिकल मेल में आया है ना, इस तरह सेम भी सेम होता है। जिस तरह सर ने पढ़ाता है, जिस तरह समझाता है, उसके ऐसे ज़्यादा हमको मिला है। और पहले दिन से हमको आईसी रिबॉलिंग आ गया। एक घंटा लगा है सिखाने में, और हम 2-3 बार 4 बार आईसी रिबॉलिंग किया है। हमने
पांच बार किया रिबॉलिंग। नहीं प्रॉपर थे, हाँ बहुत मस्त से गया, मतलब एकदम इजी ट्रिक था यार। उसके बाद कंपोनेंट्स का देव सर ने कंपोनेंट्स का क्लास लिया एकदम डीपली। और अगर मैं बात करूं कि स्पेशली देखो रजिस्टर कोई भी पढ़ा देता है, पर बाकी जो उसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो आपको मालूम हुई कि नहीं? वही पूरी तरह से एकदम डीपली। रजिस्टर क्या काम करेगा और थर्मिस्टर को आपको किस तरीके किस लेवल से पढ़ा रहे? एकदम इजीली, मतलब थर्मिस्टर एक अपना दिमाग लगा के पोटेंशियल एक सर्किट बना के पोटेंशियल सर्किट बनाया उन्होंने और आपको बताया उसके अंदर करके कि यार देखो इस टाइप से आप बनाओ, पूरा प्रैक्टिकल ले लिया एकदम इजी ट्रिक दिया। बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई अभी। अच्छा रिबॉलिंग की बात करूँ तो रिबॉलिंग पहले करता था लेकिन अभी जो टेक्निक मिली है सीखने की अलग अलग तरीके, वो बहुत नए और बहुत अच्छे तरीके, सेफ तरीके बहुत सारे। अच्छा, और मैं बात करूँ कि आपके कंपोनेंट की सर, कंपोनेंट कैसा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? बहुत बहुत क्लियर हुआ सर, पहले कंपोनेंट की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अच्छा, अभी हर एक कंपोनेंट की बहुत अच्छी तरह से नॉलेज मिली है। अच्छा, दो कंपोनेंट पढ़ा, दो कंपोनेंट की मैं अगर अभी अभी बोलूँ कि आप पूरी पीसीबी में से छान के निकाल दो, मैं भले वो आईफोन की पीसीबी भी चेक करवाया ना तुमसे। हाँ सर, उसके अंदर में भी क्या उसका प्रोटोकॉल अलग होते हैं क्या? नहीं सर सेम है। आपने खुद ने किए ना उसके? हाँ सर। है ना? यस सर। तो कैसा लग रहा है सब करके? बहुत अच्छा लगा सर। क्या बोलेंगे अगर कोई मुंबई की जनता देख रही है और गलती यहाँ आना चाहती है तो जरूर आना चाहिए सर, यहाँ पे एक महीने का टाइम निकाल के आना चाहिए और पूरा महीना सर को देना चाहिए अपना। अच्छा, तो यहाँ के टीचर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं और पूरा डीप नॉलेज पूरा देते हैं। और वो चली समथिंग 12:30 बजे के आसपास। उसके बाद फिर हमारे देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी, जो सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया, हमको समझाया, जो बिल्कुल एकदम सही से हमारी समझ में आया। पहले क्या था हमें पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में क्या होता, बस वही पता है काला वाला या भूरा वाला ऐसा चलता था। अब जो है सब आसानी से पता चल गया है सब कुछ तरीके से। कैसा लग रहा है सब करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या बोलना चाहोगे कि आपको यहाँ पर किस लेवल है? कोई मेरे जोर जबरदस्ती से आप रिव्यू दे? नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे होगा? हैं, फीस दे के आओ ना। हाँ सर, फीस दे के आए हैं। है ना, तो खुशी बता रही है आपकी कि आपको बहुत कुछ मिला है आज। सर मैंने पहली बार में 5 बार ऐसे गिरा बड़े तरीके से रिव्यू। अच्छा, रिबॉलिंग और कंपोनेंट? सर कंपोनेंट भी अच्छे से पूरा ट्रेस किया आपने? बिल्कुल सर। उसको नोट भी बनाया आपने? बिल्कुल, एकदम हाई लेवल से पढ़ाया, एकदम एडवांस, एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं सर। प्रैक्टिकल किया कि नहीं उसको? किया सर। मैं छेत्री, मैं हाफलोंग से आया हूँ, हाफलोंग आसाम पे हिल डिस्ट्रिक्ट है। 2013 किलोमीटर की सफ़र करके आया हूँ मैं। वेरी गुड। मैंने ये जो एस एच टेलीकॉम ज्वाइन किया, मैं एकदम एंड्रॉइड पे न्यू कमर्स हूँ मैं अभी। ओके, उसके बारे में मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं। ओके, मैंने बहुत सारे वीडियो देखी थी, यूट्यूब में देखे, फेसबुक में देखे, सब देखे। एशिया टेलीकॉम के बारे में एक नेगेटिव वीडियो भी मेरे को मिला था, वो भी मैंने देखी। तो देखने के बाद भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे में अगर काबिलियत नहीं है तो मैं सर लोग को या किसी इंस्टीट्यूट में दोष दे नहीं सकता। तो मेरे पास काबिलियत होना चाहिए मैं सीखने के लिए। सर तो दे रहे, मैं कितना ले सकता हूँ, तो मेरे ऊपर है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम के जितने भी स्टाफ है, जितने भी इंस्ट्रक्टर है, जितने भी यहाँ के है टीम है सारे, क्योंकि मैं एक दिन में इतना सीख पाया हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था। जी, मैंने सोचा भी नहीं, यहाँ के एक दिन में मैंने 2 क्लास ली, आईसी रिवॉल्विंग मैंने 4 बार की, कॉम्बिनेट क्लास थी। सर ने प्रैक्टिकल भी करवाया, फिर थ्योरी भी कराया, और अभी भी मैं क्लास पे हूँ, अभी भी सर ना बज रहा हूँ, जाने का मन नहीं कर रहा, बैठ के काम सीखने का मन, कुछ सीखने के लिए आए, दिन में जुनून जोश लेके आए। तो भी आओ, जिसके मन में सीखने की इच्छा है, कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, जैसे भी हो, आ जाओ, कुछ सीखने को मिले, एक महीने में आप कुछ आपको कुछ सीखने को मिले। और आज सुबह हमारे 8 बजे क्लास था आईसी रिबॉलिंग का, और हमने द बेस्ट आईसी रिबॉलिंग किया और इतना अच्छा बताया सर ने कि ऐसा कोई नॉलेज दे ही नहीं सकता है इससे बड़ा। और इसके बाद हमारे कंपोनेंट्स का क्लास था जिसमें हमने आज 2 कंपोनेंट्स के बारे में सीखा लेवल को, और सर ने ऐसे डीप लेवल पर पढ़ाया कि नॉर्मली तो बंदे को एक ऐसा बंदा जिसको कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया उसके बारे में सोचा ही नहीं होगा ना, सर उसको भी आज इतना नॉलेज हो गया कि वो बता सकता है पढ़ से कि ये कौन सा कंपोनेंट्स है और इसमें क्या है। तो 15 साल से जो काम कर रहा है वो जो फ्रेशर बंदा, दोनों एक ही कैटेगरी में, दोनों एक ही कैटेगरी में है सर, एक ही कैटेगरी में है, और वो खुद भी नहीं सोच सकता कि मैं फ्रेशर हूँ आज। चलिए ठीक है, ओवरऑल कैसा लगा आपको क्लास? शानदार लगा सर। तो उनके बारे में पन, बाकी इनके इनके जोश को जुनून को देख के भाई क्लैपिंग बनती इनके लिए, भाई के लिए क्लैपिंग बनती है। तुम इमान साबिर, तुम कितने टाइम से आना चाहते थे और तब तुम्हारा नंबर लगाया? सर मैं 2 साल से फॉलो कर रहा था और लगभग 6 महीने से लगातार कॉल कर रहा था कि मैं आना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। जी, तो अब मुझे मौका मिला है सीटल को में आने का। तो एक दिन का सफ़र
जिनका वीडियो देख के आया, उनके साथ उनको सौभाग्य मिला पढ़ने का? यस सर। और कैसा सब कुछ लगा है? बहुत अच्छा लगा सर। मैं हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड से। और आज सुबह हमारी रिबॉलिंग की क्लास थी, आईसी रिबॉलिंग की, उसके बाद हमारी क्लास कंपोनेंट की थी जो कि देव सर के साथ में थी, और जो सोचा था उससे ज़्यादा कहीं बेहतर बढ़ के मिला, क्योंकि मैं इस फील्ड में 10 साल से हूँ और इतना मुझे मिल गया, इतना मैंने 10 साल में नहीं सीखा जितना मैंने आज इस एक दिन में सीख लिया देव सर से कंपोनेंट की। उन्होंने 0 लेवल से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक सारी इन्फॉर्मेशन दी। सब आपने उसको प्रैक्टिकल भी, हाँ प्रैक्टिकल भी किया है, कोई चीज़ दिमाग में स्किप तो नहीं है? नहीं सर। साकिर, साकिर ये बताओ मेरे को कि हर एक ही बंदे को समझ में आया पूरी क्लास को? पूरी क्लास को समझ में आया सर। ऐसा कोई बंदा जिसने रिबॉल नहीं किया हो? नहीं सर। ऐसा कोई बंदा जिसको रजिस्टर की नॉलेज नहीं हो, उसको रीडिंग की नॉलेज नहीं? सर ऐसा कोई बंदा इसका नॉलेज नहीं हो और रजिस्टर के टाइप नहीं मालूम हो? एक शब्द में बोलूँ तो एशिया टेलीकॉम एक समुंदर है, आप जितना भी उसमें से ले सको वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। थैंक यू वेरी मच। एक क्लिप तुम्हारे लिए बनती भाई, सवेरे 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?